नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक गुप्ता, और आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत एंशियस हैं, नर्वस हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे ही काफ़ी क्लाइंट्स हैं, अब द काउंट इज 75 एंड वी आर गोइंग टू स्टॉप टेकिंग फ्रेश केसेस वेरी सून। 100 मेरी अपर लिमिट होती है, बट वो भी तब होती है जब मैंने कहा था मोस्टली गवर्नमेंट के होते हैं। इस बार हमें गवर्नमेंट क्लाइंट्स कम मिल रहे हैं, तो आपस की बात है, शायद हम 90 भी रोक दें, क्योंकि मुझे देखना होता है कितने लोगों को मैं ठीक से सर्विस दे के उनका काम कर पाऊँगा। हैविंग सेड दैट, तो उन सबको समझाना होता है, तो इसलिए मैं कई बार मैं वीडियोस इसलिए भी बना देता हूँ ताकि वो सब भी सुन लें और उनके पास भी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। व्हाट्सएप पे तो मैंने मैसेज डाल ही दिया था। देखिए, हुआ वही है जो मेजर इशू डिले ऑफ काउंसलिंग का चल रहा है, वो बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, नॉट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो वो परसों जो फैसला होगा वो सारा खोपे। आप में से जो लोग वेट करना चाहते हैं बिफोर कमिटिंग देमसेल्व टू अ काउंसलर ऑल टू अ कॉलेज और टू अ NRIs, वट एवर द केस में भी वेट कर सकते हैं आप। ऐसी आफत में कभी हमेशा कहता हूँ कि नहीं आएगी, एक ऑप्शन जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान की सब सीटें ख़त्म हो जाएगी, हम दो दिन वेट कर लेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है, बट डिले क्यों हो रहा है? डिले बिल्कुल स्पेसिफिक न्यूज़ है। जैसे कि फर्स्ट आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे कि 113 में से 50 को भी परमिशन नहीं मिली है। वो एग्जैक्ट फिगर अभी बाहर आ ही नहीं रही है, बट नहीं मिली है, जिसमें बहुत सारे सरकारी भी हैं और बहुत सारे सरकारी उत्तर प्रदेश के हैं, और खींचातानी चल रही है बिटवीन गवर्नमेंट एंड NMC। प्राइवेट कॉलेज तो अपना जोर लगाएंगे, वो तो लाला जी का कॉलेज है, लेकिन सरकार भी जोर लगा रही है कि परमिशन दी जाए कॉलेज को खोलने की। बिकॉज मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, सरकार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलना एक पॉजिटिव इलेक्शन का मुद्दा है, और प्राइवेट कॉलेज वाले ने जितना तक खर्चा कर दिया है उसका अगर एक बैच खाली चला जाए तो उसका तो सीधा सीधा सोचे ना, 100 बच्चे 15 लाख फीस लेने वाला है तो 15 करोड़ का नुकसान है। उनको लगता है बिल्डिंग खड़ी है, सब कुछ खड़ा है, पैसे आ जाएँ, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये जो सप्ताह चल रहा है, जो मैंने आपको JIT के बारे में बताया कि एक उनसे मिस्टेक हो गई थी जिसको रेक्टिफाई कर दिया गया है, पेपर जा चुका है वापस, तो दोबारा से शायद NMC का एक फाइनल नोटिस आ जाएगा। आई होप कि इस हफ्ते के एंड में आ जाए कि सब कुछ सेटल हो गया और ये कॉलेजेस हैं जिनको फाइनली परमिशन इन सब सीटों की दी जा रही है। क्योंकि देखिए, फिर वो सब कॉलेज का नाम, उनका सीट इनटेक, वो चढ़ना है सॉफ्टवेयर्स में ना, चाहे वो MCG का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स का सॉफ्टवेयर हो, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही डिले हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर अभी काफ़ी खींचातानी चल रही है। आप उसे बाय लक कह लीजिए, बाय चांस कह लीजिए, कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट का केस और यहाँ NMC का ढीलापंती दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, और शायद परसों सुप्रीम कोर्ट और NMC दोनों तैयार होंगे, तो शायद NMC की लिस्ट फाइनल हो जाए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक। थर्सडे को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाएगा, तो शायद आम जनता को लगेगा कि सब लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे थे। पर जैसा मैंने कहा कि मेरी सेंस कहती है कि डिले इज़ बिकॉज ऑफ दिस न्यू कॉलेजेस परमिशन, तो शांति से बैठिए। मतलब कई लोगों ने ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि डिले इसलिए कर रहा है कि देयर इज़ ए चांसेस ऑफ रीनीट। मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, रीनीट हो ना हो मुझे पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम अ प्रोफेशनल, काम है मेरा आप बच्चों की हेल्प करना। जब नया रिजल्ट आएगा, नया नीट हो जाएगा, तो उस हिसाब से हेल्प करेंगे। कई वीडियोज़ जो पिछले महीने में बनाए हैं रिगार्डिंग कट ऑफ्स, वो बेमानी हो जाएंगे, उन्हें डिलीट भी कर दिया जाएगा ताकि नए स्कोर कार्ड के हिसाब से वीडियोस बनाए जाएं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो पिछले 1.5-2 महीने में आप लोगों के लिए मेहनत की है, वो मेहनत सबके काम आएगी, चलती रहेगी। तो साइंस ये कहती है कि लुकिंग एट दी सर्कमस्टांसिस, बिल्कुल मतलब इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि एग्ज़ाम दोबारा होगा। देखिए, अभी CUT को भी लेके कुछ गड़बड़ सामने आई थी, तो 1000 बच्चों का पेपर दोबारा होने वाला है 19 जुलाई को, फ्राइडे को, और वो भी पेपर के 1 लाख बच्चे देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पेपर दोबारा हो रहा है, और 22 तारीख को भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इतने बड़े लार्ज स्केल का पेपर कैंसिल करना, उसको दोबारा करवाना इज़ ए ह्यूरिकन टास्क, और अनलेस अंटिल ये प्रूव हो जाए कि लार्ज स्केल लीकेज हुआ है, उसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर होती है कि कम से कम 5 से 10% बच्चों के पास वो पेपर पहुँच गया, दैट मीन्स 50,000 से 1 लाख बच्चों के पास, क्योंकि तभी तो फिर आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। मैंने यू कैन नॉट पॉइंट आउट कि किसको पेपर मिला, चाहे वो CUT का हो, चाहे वो NTE का हो, चाहे वो कोई और। ये हम सब, मैं बार बार खुल के बोलता हूँ कि 0.5 से 1% बच्चों के पास, या नीट के केस में 0.1% बच्चों के पास तो हर साल वो बेनिफिट मिलता ही है, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है
कि चाहकर भी सरकार हो चाहे कोई एजेंसी हो वो करप्शन ही रोक पाती, तो मोर देन कि भी सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो या एनटी की ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत लोकल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, लोकल एमएलएस। आप जो बड़े शहरों में रहते हो आपको पता नहीं है कि छोटे कस्बों में छोटे एरियाज में क्या पावर होती है बाहुबलियों की पॉलिटिशियंस की, और उनके सामने पूरी व्यवस्था कैसे घबराती है डरती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट या एनटीए का इन्वॉल्वमेंट हो, इतना मैं समझता हूँ, मैं हिंदुस्तान को समझता हूँ। और जब तक वो कंट्रोल्ड है तब तक ये लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो धैर्य रखिए, जैसा मैंने कहा कि इशू एनएमसी वाला हो रहा है सीट्स को बढ़ाने को लेके, कई कॉलेज ऐसे हैं जिनको पक्का नहीं मिलने वाली और कई कॉलेज हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिल जाए। तो जैसा भी होगा अगले दो चार दिन में क्लियर हो जाना चाहिए। मैं इसलिए बार बार आपको रिपीट करता हूँ, अपनी तैयारियाँ करके रखिए, खासकर जिन्हें एनआरआई पेपर बनवाने हैं। और अगर आप एक पर्टिकुलर दो पर्टिकुलर कॉलेज के पीछे पागल नहीं है तो फिर आप चार दिन वेट भी कर सकते हैं, स्पेशली जिनको एनआरआई गार्जियन सीट एमपी या कर्नाटका में लेनी है या उस तरह की सीट लेनी है नेगोशिएशन वाली। क्योंकि ठीक है जी, आपने वेट किया, बाकी लोगों ने वेट नहीं करा, एक पर्टिकुलर कॉलेज भर जाएगा, बट ऑप्शंस बहुत हैं। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं आपको कहूँगा या डराऊँगा कि 19 जुलाई तक तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर आपने रिज़ल्ट का वेट किया। फिर भी आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगी, हाँ मनपसंद नहीं होंगी, उसके नीचे वाली होंगी, पर बहुत होंगी। तो आप में से जो लोग वो बिग कमिटमेंट से पहले वेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, सो धैर्य रखिए, घबराए मत, पैनिक मत कीजिए, मैं हमेशा सबको कहता हूँ, और काम सबका होगा, भगवान सबका काम बनवाएगा। एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, और लेट अस सी व्हाट एक्शन हैपन्स इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। 16 जुलाई की आज सुबह है, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय। हमसे संपर्क करना चाहें डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, 9643362320 हमारा नंबर है। टेक केयर, बाय बाय।